write any two sources of energy loss in a transformer. So there are lot of types of energy loss in the transformer. We have to write only two. Number one, first, copper loss. So जो transformer की coils होती है primary and secondary, वो copper की होती है. So जैसे उनमें current flow करेगी primary और secondary coils में, so energy loss होगा due to joule heating effect. So this energy loss is called as copper loss due to joule heating effect. That means I square R. Two, flux leakage. Primary coil का जो magnetic flux है वो completely secondary coil से pass नहीं करता. हम derivation में use कर लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ flux अगर secondary coil right में है तो कुछ flux या magnetic field lines left में भी जाएगी. So primary coil का complete flux secondary coil से pass नहीं करता. So जो ये leak हो रहा है, so जो ये pass नहीं कर रहा, that is called as flux leakage. तो इसकी वजह से जो energy loss हो रहा है, that is called as flux leakage. All of the magnetic flux of primary coil does not pass through the secondary coil. इसकी वजह से जो होते हैं. थर्ड और लिख लेते हैं, दो ही लिखने, एक तो हिस्टरेसिस लॉस जो कोर है ट्रांसफॉर्मर की वो कंप्लीटली पहले डीमैग्नेटाइज होगी, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, इस तरह से जो साइकिल है मैग्नेटाइजेशन की, उस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में कुछ एनर्जी लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टरेसिस लॉस एक साइकिल में. सो ऐसे बार बार उस साइकिल को फॉलो करेगा, मैग्नेटाइज होगा. जो सॉफ्ट आयरन है, कोर है जो ट्रांसफॉर्मर की, सॉफ्ट आयरन की बनी है, फेरोमैग्नेटिक मेटल है, तो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, इस साइकिल को वहां बार बार फॉलो करता रहेगा. तो इसमें जो एनर्जी लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस. नेक्स्ट, एडी लॉस. जो एडी करंट्स डेवलप होगी, जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल है कोर का उसमें जो एडी करंट डेवलप होगी उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस होगा दैट इज कॉल्ड एज एडी लॉस. फिफ्थ, हमिंग लॉस. सो जो साउंड एनर्जी डेवलप होती है बार बार जो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी वजह से जो ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा, डी मैग्नेटाइज होगा, उसकी वजह से जो साउंड एनर्जी डेवलप हो रही है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, दैट इज कॉल्ड एज हमिंग लॉस. कोई भी दो लिख सकते हो आप. बी, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट्स ए लो इनपुट वोल्टेज इनटू ए हाई इनपुट वोल्टेज, डज इट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन. मतलब अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, तो ये वायलेशन है क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन तो होगा नहीं, तो हमें एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों. तो जो पावर होती है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस. सो अगर आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है तो जो करंट है वो कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम. सो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर ही रहेगी. अगर वोल्टेज ज्यादा करोगे करंट कम हो जाएगी, वोल्टेज कम करोगे जैसे स्टेप डाउन, सो करंट ज्यादा हो जाएगी. सो इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Because if output voltage is larger than output current becomes smaller, so that their product remains